बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनके बड़े ही बावकार बैकग्राउंड है, बड़ा तगड़ा उनका पीछे हवाला होता है, लेकिन वो नाकाम उनको ये खुमार रहा है साढ़े पीछे थे वड्डा ना आए ऐसी भाई नहीं सानू हमारे तो बड़ों के घुटनों को हाथ लगाते देखना हम उनसे काम लेने जाए। नाम और वो आबरू कायम रखने की कोशिश एक है क्योंकि ये मैदान भी वो हम कहते हैं समंदर की तरह बिल्कुल ऐसे। आप भी उस लेवल पर आए, मेहनत करें, आपका नाम बनेगा, वो आपके साथ उसी तरह मोहब्बत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम, सलामती, अमान। आपका मेज़बान अली हसनैन आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सैयद एजाज बुखारी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, किसी बड़े पेड़ की शाख होना जहाँ एक बहुत बड़ा इनाम है और एजाज भी है, वहीं एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। उसी तरह आपके पीछे किसी मशहूर और मकबूल शख्सियत का नाम होना, एक बड़ी शख्सियत का नाम होना जहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ा अतिया और इनाम भी है, वहीं एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने उस बड़े नाम की आबरू को भी कायम रखा, यानी एक बेहतरीन सपूत साबित हुए और उस नाम को मजीद उरूज देने के लिए और उसकी इज्जत में इजाफा करने के लिए अब भी काम कर रहे हैं। मेरी मुराद जनाब उसामा गयूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या चला? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? फर्स्ट क्लास। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया ताकि आपके साथ कुछ बातचीत की जा सके और कुछ सीखा जा सके आपसे। नहीं नहीं, सीखने वाली बात तो नहीं है, आप माशाल्लाह खुद बड़ा अच्छा काम करने वाले हैं और एक अच्छी सोच अप्रोच रखने वाले हैं, अपने में खुद देखने वाले हैं खामियां क्या हैं और हमें यही चीज अपने साथ रखनी चाहिए। एक मैं जरूर तसी करना चाहूंगा कि नाम और वो आबरू कायम रखने की कोशिश एक है क्योंकि ये मैदान भी वो हम कहते हैं समंदर की तरह। बिल्कुल ऐसे। अब समंदर तो उसकी कोई किनारा ही नहीं, पता नहीं अच्छा खासा फैला पूरी दुनिया, बल्कि जो पानी का जखीरा समंदर में ही है हमारे पास। तो वो एक कोशिश है, कोशिश में ये है कि हम सीखते भी हैं, अमल भी करते हैं, कुछ दौड़ते भी हैं, बस यूं कह लें जो रास्ता मिल गया उस पर चल पड़े। कोशिश के नतायज भी आप पे मुरतब हैं और वो अच्छे खासे नतायज हमारे सामने इस वक्त निखर के सामने आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको ये नवाजा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको मजीद नवाजे। सर मेरा बेसिकली मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा नाम आपके पीछे, उसके बाद अपनी एक अलग से पहचान बनाना कितना बड़ा इम्तिहान था और क्या क्या कुछ करना पड़ा इसके लिए? इसके लिए सबसे पहली चीज जो है वो है जिद्दोजहद, स्ट्रगल, और इस चीज का एहसास कि ठीक है बड़ा नाम हमारे पीछे है, हमारे नाम के साथ है, हमारे डीएनए चेक करें उसमें है, यानी साइंसी बुनियाद पर भी, रूहानी तौर पर भी, जहनी तौर पर भी, हर हवाले से वो नाम हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं। यहां पर आती है मेहनत। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनके बड़े ही बावकार बैकग्राउंड है, बड़ा तगड़ा उनका पीछे हवाला होता है, लेकिन वो नाकाम, शायद हम ना कहें वो मायूब लफ्ज हो जाएगा, लेकिन हम यूं कहें कि वो अगर जवाल की तरफ, हम ये भी बड़ा सख्त लफ्ज, उस मकाम तक नहीं पहुंच, या कह लें कि हम उस लेवल तक नहीं गए या वो कोशिश उस तरह नहीं कर सके, उनको ये खुमार रहा है साढ़े पीछे थे वड्डा ना आए ऐसी भाई नहीं सानू हमारे तो बड़ों के घुटनों को हाथ लगाते देखना हम उनसे काम लेने जाए। वो आपके बड़ों का एहतराम उनके काम की वजह से करते थे, उन पर कोई प्रेशर नहीं था, बंदूक नहीं थी उनके माथे पर, वो काम देखकर एहतराम करते थे। आप भी उस लेवल पर आए, मेहनत करें, आपका नाम बनेगा, वो आपके साथ उसी तरह मोहब्बत करेंगे। लेकिन हम वो एक हमारी पूरे, जिस तरह भी कुछ देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, हमारे सब कॉन्टिनेंट के कुछ मसाइल है, एक ये भी मसला है, हमें बड़ा प्रोटोकॉल लेने की आदत है। एक तो है जी मैं मार लें, मैंने अपनी मैं मार ली थी, सच बात जो है बहुत सी जगहों पर गया, हजार हार रिजेक्शंस देखे, अब भी देखता हूँ, शुक्र अल्लाह का, वो कहते हैं ना एक थोड़ा सा ट्रैक बन गया, एक रनवे थोड़ा सा बन गया, हो गया ना, हाँ शुक्र अल्लाह का, अब कुछ टेक ऑफ कर रहा हूँ मैं और आगे अल्लाह ताला आसानी करे। तो ये चीज जो है, ये चीज मैंने खत्म की और वो बड़ा नाम जो है वो रहेगा, पूरी जिंदगी रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी है वो नाम रहना है। एक मिसाल है फारसी की, पिद्रम सुल्तान लून, अब वो हो सकता है कोई मतलब फारसी वाले दोस्त कहते पिद्रमा है, उसको पिद्रमे भी कहते, लेकिन पिद्रम सुल्तान बूत जो थोड़ा मेरा मुताला उसके मुताबिक ही थी, उसमें ये थी कि आपके वालिद कौन है, ये मफहूम उसका बता रहा हूँ, वो कौन थे, आपके दादा कौन थे, नो मैटर आप कौन है, आप खुद इतनी
جدوجہد تو کرے نا, وہ پھر معذرت کے ساتھ پھر کہیں اور ہم ریاست کے چوتھے پلر کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ اگر ایک کوئی بڑا آدمی ہے ان کے آگے بچے بھی وہ پرکس لے رہے ہوتے ہیں اور آخری ٹائم تک لے رہے ہوتے ہیں, کیوں؟ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اب ان لوگوں کو بھی اویئرنس ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی بچے اپنی دوڑ لگائیں. بالکل صحیح. تو بڑوں کے ہمارے کچھ ایسی ایفرٹ رہی زندگی, ہم نے ان کی اسٹرگل میں دیکھی تو پھر یہ ذہن بن گیا کہ نہیں بھائی راستہ ہم نے خود ہی تلاش کرنا ہے, خود ہی ناپنا ہے اور اس کے بعد خود ہی اس پر دوڑنا ہے. بالکل. پتھر بھی آئیں گے, بارش بھی ہوگی, اور بھی جو قدرتی آفات ہیں, جو قدرت کی آزمائشیں ہیں آپ کو پختہ بنانے کے لیے, وہ بھی اس میں ہوں گی, لیکن انشاءاللہ بہتر ہوگا. بالکل ایسے.